कंप्रेसर। उसके बाद अगला जो पार्ट हो गया वो हो गया कंडेंसर, मैं दिखाऊंगा अभी एक एक करके कंडेंसर, ठीक है। एंड तो मेन पार्ट हो गया कंप्रेसर, कंडेंसर, उसके बाद आया तुम्हारा इवापोरेटर, ठीक है। तो कौन सा इवापोरेटर है, उसका वर्क क्या है समझाऊंगा मैं बाद में, पहले जस्ट नाम बोल रहा हूँ, कंडेंसर, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर, उसके बाद आया ड्राई फिल्टर, उसके बाद आया कैपिलरी ट्यूब और उसके बाद आया थर्मोस्टेट, ठीक है। तो थर्मोस्टेट आज नहीं, अगला क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी जो मैंने बोला वो सबको मैं आज एक एक करके दिखा दूं पहले। तो सबसे पहले देखो ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला डिवाइस, ये हो गया क्या, ये हो गया कंप्रेसर, ठीक है, दिस द कंप्रेसर, क्लियर। तो कंप्रेसर का काम क्या है बाद में समझाऊंगा, पहले एक बार देख लो, ये हो गया कंप्रेसर, उसके बाद यहाँ पे ये जो तुमको दिख रहा है ये सब, ठीक है, ये सब जो ट्यूब दिख रहा है इस तरह से घुमा हुआ इस तरह से, ये सब क्या है, ये हो गया कंडेंसर, क्लियर। ये इस तरह से घुमा हुआ तुमको ट्यूब दिख रहा है, ये हो गया कंडेंसर। तो कंप्रेसर एंड कंडेंसर, ओके। उसके बाद आया बैक साइड में इवापोरेटर जो है वो एक्चुअली इनर साइड में होता है, फ्रिज का अंदर होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, फिलहाल कंप्रेसर हो गया ये हो गया कंडेंसर, ये हो गया ड्राई फिल्टर, ठीक है। ये सबका मैं फंक्शन बाद में बोलूंगा, ये हो गया ड्राई फिल्टर और ड्राई फिल्टर के साथ ही लगा हुआ है कैपिलरी ट्यूब, ये जो है ये छोटा सा तुमको ट्यूब दिख रहा है, ये वायर के जैसा है लेकिन इंटरनली क्या है, ये ट्यूब है, इसका अंदर से खाली एयर मतलब गैस इसके अंदर से पास होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये कैपिलरी ट्यूब, ड्राई फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कंप्रेसर, कंडेंसर, ये जो तुमको घुमा हुआ ट्यूब दिख रहा है ये हो गया कंडेंसर, उसके बाद ड्राई फिल्टर, उसके बाद ये हो गया कैपिलरी ट्यूब, और इवापोरेटर जो है वो इनर साइड का होगा, थोड़ा इधर से यार। एक्चुअली जो फ्रीजर है उसी में वही होता है इवापोरेटर होता है, ठीक है। तो ये जो फ्रीजर हो गया यही हो गया इवापोरेटर, ये हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको फ्रीजर या तो डीप फ्रीजर हम लोग या तो जो भी अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं, दिस इज द क्या इवापोरेटर, ओके। तो ये एक्चुअली अंदर से तुमको कुछ दिख रहा है ना, ये सब राउंड राउंड ये सब कुछ दिख रहा है ना सेक्शन, ये सब एक्चुअली क्या है, ट्यूब है, ठीक है, ये दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पे, ये सब क्या एक्चुअली ट्यूब से, ठीक है। तो मैं बाद में डिटेल्स में समझाऊंगा, पहले इसका पीछे फिर जाते हैं हम लोग और इसका वर्किंग को एक बार वन बाय वन समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दो कंप्रेसर में, कंप्रेसर में इसमें दो आउटलेट है, ठीक है, एक तो हो गया ये वाला जो हो गया, ये जो हो गया, ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट, ठीक है। इसका एक्चुअली क्या है, यहाँ पे तीन तुम्हारा आउटलेट निकलेगा, मतलब एक ये हो गया, दूसरा हो गया ये, यहाँ पे अभी तीन तीन दिख रहा है लेकिन अभी जो तुम्हारा जो मैक्सिमम क्या होता है कंप्रेसर में, ये एक ही होता है, ये तीनों के जगह में एक ही होगा, फिलहाल यहाँ पे एक को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और ये हो गया और एक आउटलेट जो कि चार्जर, मैं समझा रहा हूँ क्या है इसका मतलब। तो ये हो गया डिस्चार्ज आउटलेट, ये हो गया चार्जिंग आउटलेट, और ये इसके मतलब, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, इसके मदद से क्या होता है कंप्रेसर में गैस फील किया जाता है, समझ में आ रहा है। कंप्रेसर में जब गैस फिलिंग किया जाएगा तो इसके मदद से किया जाएगा, अभी ये बंद है, अभी इसका कोई रोल नहीं है, अभी बंद है, लेकिन जब भी कंप्रेसर तुम्हारा गैस खत्म हो जाएगा तो गैस भरवाने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर आउटलेट का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो हो गया इसको बोलते हैं तुम्हारा सक्शन सेक्शन, मतलब इसके मदद से, इस ट्यूब के मदद से यहाँ पे कंप्रेसर क्या करता है, सक्शन करता है, क्या सक्शन करता है मैं समझाऊंगा। तो ये हो गया इनपुट, यहां से इनपुट हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है आउटपुट डिस्चार्ज, मतलब यहां से गैस आउट हो रहा है, ठीक है, यहां से इस पार्ट से, ये वाला नहीं, ये तो तुम्हारा गैस भरने के लिए हो गया, ये जो पार्ट है इसके मदद से गैस आउट हो रहा है, क्लियर। डिस्चार्ज आउटलेट ये हो गया चार्जिंग के लिए, मतलब गैस भरने के लिए, और ये हो गया सक्शन इनपुट, ओके। तो हर कंप्रेसर में तुमको इस तरह से मेन तीन पुट तीन आउटलेट मिलेगा, ओके, एक हो गया सक्शन, दूसरा हो गया गैस आउट करने के लिए, और थर्ड हो गया गैस इन करने के, मतलब गैस भरने के लिए वहां पे। तो अभी मैं समझा रहा हूं होता क्या है, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है हर रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का। तो यहां से क्या होता है, ये जो कंप्रेसर का, एक्चुअली कंप्रेसर का मेन रोल एक्चुअली यहाँ पे इसके अंदर मोटर होता है, ठीक है, और मोटर इसके मदद से होता क्या है, एक्चुअली गैस के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, इस कंप्रेसर के मदद से गैस के ऊपर प्रेशर, गैस मतलब यहाँ पे क्या है, एक्चुअली रेफ्रिजरेंट है, वही कूलिंग लिक्विड, वही कूलिंग मटेरियल जो कि यहाँ पे कूलिंग
प्रोसेस को मतलब कूलिंग सिस्टम को जनरेट करता है, कूल करता है जिसको, ठीक है। इसके अंदर क्या है, रेफ्रिजरेंट गैस है, रेफ्रिजरेंट है मतलब वो कभी गैस भी होता है कभी लिक्विड भी होता है, मैं समझाऊंगा उसमें। तो जो रेफ्रिजरेंट है उस रेफ्रिजरेंट के ऊपर ये क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है और उस प्रेशराइज्ड रेफ्रिजरेंट गैस को इस आउटलेट के मदद से ये बाहर छोड़ रहा है, इस ट्यूब के मदद से इधर छोड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा डिस्चार्ज ट्यूब होगा और कौन सा सक्शन ट्यूब होगा तुमको पता कैसे चलेगा, ध्यान रखना। जो ट्यूब तुम्हारा इस तरह से कंडेंसर से जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, देखो ये ट्यूब कहाँ पे जा रहा है, ये तो अल्टीमेटली ये देखो इधर से आ रहा है, ये आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है, यही कंडेंसर में आ रहा है। तो जो ट्यूब, ये तीनों ही अगर तुम देखोगे तीनों ही कंडेंसर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ट्यूब कंडेंसर से जुड़ा हुआ है वो हो गया डिस्चार्ज वाला, और जो उसका उल्टा साइड में मतलब इधर से जो आ रहा है वो हो गया सक्शन ट्यूब, और जो बंद रहता है वो हो गया चार्ज के लिए, गैस फिल करने के लिए। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे क्या होगा, रेफ्रिजरेंट के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस कंप्रेसर, इसके मदद से, और वही प्रेशराइज्ड रेफ्रिजरेंट गैस क्या होगा इस डिस्चार्ज आउटलेट से बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज तुमको ध्यान देना है, जब भी उस गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो वो वहां पे क्या होगा, बहुत हीट जनरेट होगा। जैसे मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूं, जब साइकिल में पंप, साइकिल के चक्के में तुम लोग पंप भरते हो, हवा भरते हो, तो उस वो जो पंप है जिसके मदद से तुम लोग हवा भरते हो, ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब साइकिल में तुम एक्चुअली साइकिल का बात बोल रहा हूँ, किसी भी बैलून में जो भी हो, तो जब हम लोग हवा भरते हैं पंप की मदद से, जिसकी मदद से हम लोग हवा भरते हैं ना, पंप होता है, तो उसमें तुम ध्यान रखना, जब उसको हम लोग चलाते हैं उस पंप को, तो उस पंप को चलाते उस समय बाद वो पंप गर्म होता है, फिर क्या कि नहीं करेगी, गर्म होता है कि नहीं, क्योंकि उस पंप के अंदर जो हवा है उसको हम लोग ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो हवा के ऊपर प्रेशर बनते ही वो हवा तो प्रेशराइज हवा बन गया, उसके साथ साथ वो गर्म भी जनरेट, हीट भी जनरेट करता है, इसीलिए वो पंप गर्म होता है। वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये कंप्रेसर गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, मतलब इसके प्रेशराइज जब रेफ्रिजरेंट गैस होगा, वो गैस क्या होगा, बहुत ही गर्म होगा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से जो आउटलेट, इस आउटलेट से जो भी गैस निकलेगा वो प्रेशराइज्ड रेफ्रिजरेंट होगा और गैस होगा और बहुत ही गर्म होगा वो, क्लियर। इतना भी गर्म नहीं, मतलब गर्म होगा वो, ठीक है। अच्छा, अगला स्टेप क्या है, वही प्रेशराइज्ड जो गैस है, जो वही गैस जो गर्म वाला गैस है, वही गैस इस ट्यूब से, मतलब यहां पर की नहीं, मैं एक ही बात बोल रहा हूं भाई, इस ट्यूब के मदद से कहां पे आएगा, कंडेंसर में आएगा, ठीक है। तो कंडेंसर भी एक तरह से ट्यूब ही है, ये कोई रॉड मतलब ये आयरन का एक ट्यूब है, ठीक है। तो इसके अंदर से वो गैस पास होगा इस तरह से, पूरा का पूरा चारों ओर, पूरा का पूरा बैक साइड जो फैला हुआ है, पूरा का पूरा कंडेंसर है, ठीक है। तो इसके अंदर से जब गैस फैल के इस तरह से नीचे जाएगा, किस तरह से जाएगा, नीचे जाएगा, अल्टीमेटली इसका आउटलेट कौन सा होगा, ये जो कंडेंसर ट्यूब है, ये अल्टीमेटली यहां पे आके इसका खत्म हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसके अंदर से जो वो प्रेशराइज्ड गैस जो कि गर्म था, वो इसके अंदर से पास होगा, तो पास होते 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 यह कहां तक आएगा, यहां तक, नीचे तक आएगा। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे वो जो गर्म गैस है, वो जो गर्म प्रेशराइज गैस है, उसका हीट बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। क्यों होगा रिड्यूस, देखो एक तो ये बाहर, इसका जो बाहर जो एयर है ये तो गर्म रहेगा, लेकिन बाहर का एयर के मदद से ये, और जितना ये ट्यूब के मदद से, कंडेंसर ट्यूब की मदद से नीचे तक फ्लो होगा, उतना उसका जो हीट है धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहां तक, इसीलिए तुम लोग कभी किसी भी फ्रिज का ऊपर वाला साइड को टच करना और नीचे वाला साइड को टच करना, तुम देखना ऊपर वाला जो कंडेंसर ट्यूब थोड़ा गर्म रहता है और नीचे वाला थोड़ा जो कंडेंसर ट्यूब थोड़ा हल्का सा ठंडा रहता है। मतलब कंपेयर करोगे तो ऊपर वाला थोड़ा गर्म रहेगा और नीचे वाला थोड़ा ठंडा रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके मदद से वो पास होके आ रहा है, और बाहर का जो एयर है, एयर के मदद से ये जो ट्यूब के अंदर जो भी गैस है वो क्या हो रहा है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका हीट को रिड्यूस किया जाएगा, पहला बात ये होगा। लेकिन उस गैस में प्रेशर अभी भी है, मैंने क्या बोला, यहां से क्या निकला, प्रेशराइज्ड गैस निकला, प्रेशराइज्ड तुम्हारा रेफ्रिजरेंट निकला, ठीक है। तो प्रेशर तो रह जाएगा गैस में, लेकिन उसमें क्या होगा, वो जो हीट है वो हीट कम हो जाएगा, उसके साथ साथ उसका हीट रिड्यूस होने के साथ साथ ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दो काम हो रहा है, एक तो यहां पे इसका जो हीट वो कम हो जाएगा, इसके पास कंडेंसर के थ्रू फ्लो होते होते, और सेकेंडली वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ पा रहे। अच्छा, अभी वो लिक्विड कहां तक आया, वो रेफ्रिजरेंट लिक्विड यहां तक आएगा, अगला उसका स्टेप कौन सा होगा, अगला होगा ये ड्राई फिल्टर। इसका काम क्या है, उस लिक्विड में, उसमें अगर कहीं भी
तुम्हारा समझ लो कि जो ड्राई फिल्टर माने कि उसमें अगर पानी रह गया, अगर उस लिक्विड में क्या हो गया, पानी रह गया, ठीक है, वाटर पार्ट्स, वाटर तुम्हारा मॉलिक्यूल्स रह गया, तो उसको ये ड्राई फिल्टर के मदद से उसको मतलब फिल्टर किया जाएगा। कुछ भी अगर वहां पे हल्का सा कुछ अगर इस तरह से वाटर पार्ट्स रह गया तो उसको इस ड्राई फिल्टर के मदद से उसके बाद जो भी वाटर पार्ट्स है उसको क्या किया जाएगा, यहां से रिमूव किया जाएगा। ठीक है, इसका ये इसका नाम हो गया ड्राई फिल्टर, ये फिल्टर करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर ये फिल्टर खराब हो गया तो यहाँ पे चोकिंग प्रॉब्लम आएगा। चोकिंग प्रॉब्लम क्या है बाद में समझाऊंगा तुम लोगों को ये सब। अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पे, तो ये ड्राई फिल्टर मतलब उसको फिल्टर करेगा, समझ में आ रहा है। अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ से वही तुम्हारा जो प्रेशराइज्ड जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड है ये कैपिलरी ट्यूब के थ्रू पास होगा। ये हो गया कैपिलरी ट्यूब, ये बहुत लंबा ट्यूब होता है एक्चुअली, ये समझ लो कि तुम्हारा एग्जैक्टली 8 फीट से लेकर 12 फीट तक होता है। लेकिन अभी तुमको दिख रहा है छोटा सा, लेकिन छोटा नहीं है, इसके अंदर तक अगर देखोगे ये पूरा घुमा हुआ है, एक तरह से घुमा हुआ रहता है इस तरह से। ठीक है, तो बहुत लंबा ट्यूब है और बहुत लंबा होता है, तो इसीलिए उसको घुमा हुआ रखना पड़ता है, क्योंकि ये तो फ्रिज का साइज ही कितना है, समझ लो 3 फुट 4 फुट जो भी होगा, लेकिन वो ट्यूब 12 फुट का है तो 8 फुट का जो भी होगा, तो उतना लंबा ट्यूब यहाँ पे इसीलिए घुमा के उसको एरिया को कम करने के लिए घुमा के रखा जाता है। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा, देखो अभी कैपिलरी ट्यूब के अगला स्टेप हो गया कैपिलरी ट्यूब। अच्छा, यहाँ पे एक बात देखो, जब वो गैस, जब वो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब के ठीक बाद होता है इवापोरेटर। ठीक है, अभी यहाँ पे तुमको वो बाहर से नहीं दिखेगा, यहाँ पे जो तुम्हारा प्रेशराइज्ड रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड है वो ड्राई फिल्टर के मदद से फिल्टर होगा भाया कैपिलरी ट्यूब में, वो एंटर करेगा और कैपिलरी ट्यूब के ठीक बाद होता है क्या, इवापोरेटर। ठीक है, जो कि इनर साइड में होता है, जो कि इसके बाद ये कहां तक जा रहा है, ये अल्टीमेटली ये जो कैपिलरी ट्यूब का कनेक्शन कहां तक जा रहा है, अंदर से होके वो फ्रीजर वाला पार्ट मतलब इवापोरेटर में जा रहा है। तो ठीक, कैपिलरी ट्यूब देखो तुम अगर नोटिस करोगे बहुत ही छोटा, मतलब ये कम रेडियस वाला कैपिलरी ट्यूब है, इसका जो रेडियस है बहुत ही कम है, देखा ना, लेकिन एक ट्यूब है। लेकिन तो इस ट्यूब में से जब वो इवापोरेटर में एंट्री करेगा, वो जब लिक्विड इस ट्यूब में से इवापोरेटर में एंट्री करेगा, यहां से जब वहां तक जाएगा तो होगा क्या, इसका प्रेशर घट जाएगा। ये लिक्विड में जो प्रेशर था वो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इवापोरेटर जो एरिया है वो थोड़ा ओपन, उसमें ज्यादा उसको ज्यादा एरिया मिल जाएगा। पहले तो यहां पे ये लिक्विड देखो इतना सा छोटा सा ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ था, जब ये वहां पे एंट्री करेगा कहां पे, इवापोरेटर पे, तो एंट्री करते ही उसको ज्यादा एरिया मिल जाएगा, तो उस लिक्विड के ऊपर जो भी प्रेशर था वो घट जाएगा, और प्रेशर घटते ही जब वो लिक्विड ओपन एरिया इवापोरेटर का ओपन एरिया में एंट्री करेगा, उसका प्रेशर घटते ही वो गैस में कन्वर्ट, फिर से गैस में इवापोरेट हो जाएगा, मतलब फिर से वो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और उसी टाइम उसका जो टेम्परेचर है और भी डाउन हो जाएगा। बस समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं, यहां पे तो टेम्परेचर हल्का सा डाउन हुआ लेकिन वो सफिशियंट नहीं है। जब ड्राई फिल्टर क्रॉस करके गया कैपिलरी ट्यूब तक, कैपिलरी ट्यूब के बाद जब वो एंट्री करेगा इवापोरेटर के ट्यूब में, वो इवापोरेटर वाला ट्यूब में उसको ज्यादा ओपन एरिया मिल जाएगा, ठीक है, लिक्विड को, तो करते ही वहां पे उसका प्रेशर भी घट जाएगा, वो लिक्विड धीरे धीरे कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, प्रेशर घटते घटते वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, और उसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, पर उसका टेम्परेचर भी बहुत हद तक डाउन हो जाएगा, इतना डाउन होगा कि जिस तरह के हम लोग उसको वहां पे हम लोग सेट करते हैं उसको, तो डाउन होकर वहां पे बर्फ जमना शुरू हो जाएगा, मतलब बहुत हद तक टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, वही इवापोरेटर के चारों ओर बर्फ को जमा करता है उसकी वजह से। तो इवापोरेटर का काम क्या हो गया, इसका काम हो गया, इवापोरेटर का काम हो गया कि फ्रिज के अंदर जो भी हीट है, फ्रिज के अंदर जो भी तुमने गर्म चीजें रखा है उसका हीट को वो एब्जॉर्ब करता है, और उस जो प्रक्रिया है जो कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने से जो ठंडा होता है, वो जो ठंडा जो हवा है कूल जो है वो क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है। तो उसका दो काम हो गया, एक तो पूरा फ्रिज के अंदर का जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करना है, और जो उसका ठंडा हवा, ठंडा जो कूलिंग इफेक्ट है उसको फ्रिज तक फैला देना है, फ्रिज के पूरा अंदर तक फैला देना है। ठीक है, तो ये हो गया मैकेनिज्म। तो देखो इवापोरेटर के बाद, ठीक, इवापोरेटर के बाद वो अंदर से आ रहा है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बाद में दोनों को दिखाऊंगा मैं इसका। तो इवापोरेटर के बाद वहां पे क्या हुआ, वो इवापोरेटर में क्या हुआ, वो गैस में कन्वर्ट हो गया। इवापोरेटर के बाद अगला जो उसका स्टेप होगा वो इसी ट्यूब से, देखो ये जो ट्यूब तुमको दिख रहा है, मतलब ये जो ट्यूब दिख रहा है ना,
तो ये कहां से आ रहा है, ये कनेक्शन किसके साथ है, इसका कनेक्शन है वो अंदर से जो इवेपोरेटर है उसके साथ कनेक्शन, मतलब फ्रीजर जो है फ्रीजर से जुड़ा हुआ है, तो वहीं से वो कनेक्शन आ रहा है, तो वही जो गैस है ठीक है वो गैस इधर से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, पक्के समझ में आ रहा है, इधर से आके सक्शन ट्यूब हो गया, ये इसके ये कंप्रेसर इसको सक कर रहा है, इसके अंदर तक जा रहा है, और यही पूरा का पूरा प्रोसीजर पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से ये क्या कर रहा है उस गैस को, वो अभी क्या है लो प्रेशर गैस है, क्योंकि उसका तो प्रेशर घट गया है, उस लो प्रेशर गैस के ऊपर ये कंप्रेसर के मदद से फिर से प्रेशर जनरेट किया जाएगा, हाई प्रेशर जनरेट किया जाएगा, प्रेशर जनरेट करते ही वो गैस क्या होगा गर्म होगा, और वही गर्म हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट इधर से फिर आउट होगा, और यही प्रक्रिया चलता रहता है, और यही प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो यहाँ पे इस गैस को सर्कुलेट करने कराने का काम कौन करा रहा है, मेनली ये कंप्रेसर, ये इसको सक करता है इधर से इसको डिस्चार्ज कर रहा है, गैस को क्योंकि परके तो करना पड़ेगा, एक बार चल के अगर खत्म हो गया तो तुम्हारा थोड़ा देर बाद फिर से गर्म हो जाएगा, तो कंटिन्यू चलाने का काम यही कर रहा है, और ये सिर्फ यही नहीं उसके साथ साथ मेनली जो प्रेशर क्रिएट करने का काम वो ये कंप्रेसर कर रहा है, तो इसके भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर मोटर होता है पिस्टन होता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स में ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया में मतलब यही चीज हो, यही हार्ट हो गया, और इसमें इसको चलाने के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इधर से इसका कनेक्शन पॉइंट है, ये बाद में हम लोग ये सब डिटेल्स में समझेंगे किस तरह से इसका कनेक्शन होता है, क्या क्या होता है, किसको इस तरह से इसको चेक करना है, ये जो भी हो जुड़ा हुआ हम लोग बाद में सब कुछ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आज इसका बेसिक पार्ट्स का इंट्रोडक्शन, क्लियर हो गया बात।